अब ये लड़का इस टाइगर को घबराते हुए ट्रेन करने लगता है और एंड में उसे ट्रेन करके बोट के अंदर भेज देता है। अब एक दिन बैठे बैठे लड़के को अचानक दिखता है कि एक बहुत बड़ी शिप उनके पास से गुजर रही है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फ्लेयर गन को शूट कर देता है, लेकिन शिप में बैठे लोगों का ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता है और वे इन्हें छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद लड़का निराश होकर फिर से बैठ जाता है। अब हमें कुछ दिनों बाद दिखता है कि लड़का और टाइगर दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। लड़का टाइगर के लिए पानी लेकर आता है, लेकिन टाइगर ढंग से उठ भी नहीं पाता है, जिसके बाद लड़का टाइगर के सिर को अपनी गोद में रख लेता है और जोर जोर रोने लगता है और भगवान से प्रार्थना करता है। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन लड़के की नाव एक तैरते हुए आइलैंड के पास आकर रुकती है। लड़का नाव से नीचे उतरता है और वहाँ से भर भर के जंगली घास खाने लगता है, जिसके बाद लड़का थोड़ा आगे जाता है और देखता है कि आइलैंड पर तो लाखों की संख्या में नेवले हैं। लड़का उन्हें इधर उधर धकेलता है और एक साफ पानी के तालाब में कूद जाता है, और इधर उसका टाइगर भी बहुत सारे नेवलों को एक साथ चट करने लगता है। तभी वहाँ पर रात हो जाती है, जिसके बाद लड़का देखता है कि सभी नेवले पेड़ों के ऊपर चढ़ने लगते हैं और उसका टाइगर भी दौड़कर बोट के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें।